आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4 जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब इसमें वेरिएबल कितने होंगे? दो। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। थर्ड चैप्टर जिसने कर रखा है सेम वैसा का वैसा ही, मतलब इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये है जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ए बी और सी की जगह पर आपके क्या मिलेंगे, कोई ना कोई नंबर्स होंगे। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। ए बी एंड सी, ये क्या है आपके, कांस्टेंट। अब आपको समझ जाना है कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, इनके जगह पे कोई ना कोई क्या आएगा, नंबर आएगा। अब दूसरा जो है वो क्या है, एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल हो गया हमारा एक्स एंड वाई। तो ये किस तरह से हो सकती है? अब लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वन है। मतलब कोई पावर नहीं है, मतलब क्या है, वन है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो a क्या है, x के आगे है वो a है, y के मल्टीप्लाई में होगा वो b है, और लास्ट वाला क्या है, सी है। यहाँ देखिए आप, एक्स के आगे जो है कोफिशियंट जिसको बोलते हैं, वाई के आगे जो है और लास्ट वाला क्या है, सी है। तो ये एक आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। हम सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज 4.1 का देख रखा है, तो आप देखो यहाँ पे बुक में, बुक अगर आप देखते हैं तो 4.1 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये बोल रहा है नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, पेन की ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल द रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो हमने पहले इसमें लेट कर लिया, हमको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, तो हमने लिख लिया लेट कॉस्ट ऑफ पेन, लेट कर लिया, वो हमने मान लिया एक्स, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक, आप बुक में से क्वेश्चन देख सकते हो, वो हमने क्या कर लिया, वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या है, वाई, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या, एक्स है उसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2x है, प्लस का वाई इधर आ गया तो किस में हो गया, माइनस का इक्वल टू जीरो। ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि आप इसको जो है जनरल फॉर्मेट में बनाइए। जनरल फॉर्मेट क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये है लीनियर इक्वेशन की जनरल। फिर इसमें बताना है कि ए बी और सी क्या होता है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, एक्स के मल्टीप्लाई में है वो ए है, y के मल्टीप्लाई में है वो b है, और लास्ट वाला क्या है, c है। जस्ट एग्जांपल, इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। बार है तो बार कर दो। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में बनाना है, पहले इस फॉर्मेट में, मतलब सब इस तरफ होने चाहिए, इस तरफ क्या होना चाहिए, जीरो। कैसे, जैसे कि 2x प्लस 3y, ये तो इधर ही है, प्लस का ये इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ये प्लस का इधर आ गया तो इधर क्या बच गया। अब इसमें बताना a क्या है, तो a की वैल्यू क्या है, x के आगे कितना है, 2 है a, b क्या है जो y के मल्टीप्लाई में वो कितना है, 3 है, और c क्या है, माइनस है, तो लिखना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला जो है, फॉर्मेट है वो मेरा प्लस का है, लेकिन हमारा माइनस शो है तो माइनस लिखना कंपलसरी है। एक और देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट आपका दिया गया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब इसके सारे इसी तरह पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख लेते हैं। a x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1, मतलब 1 है। b क्या होगा, y के आगे क्या है, 1, और नीचे कितना है, और माइनस है तो माइनस 1 अपॉन 5। और c क्या है, लास्ट वाला जो टर्म होता है, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगी, जनरल फॉर्म देखो आप,
एक्स के आगे है वो ए है, वाई के आगे वो बी है और लास्ट वाला सी है। तो लास्ट में सी कितना है, माइनस का 10। माइनस हो तो लिखना कंपलसरी है, क्लियर। माइनस को शो नहीं किया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसको हमने कैसे कर दिया, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इधर आ गया, किस में हो गया। अब a क्या है, x के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 2। b कितना है, 3। और c कितना है, माइनस का 6। अब इसी का थर्ड फोर्थ पार्ट आप देखिए, फोर्थ पार्ट दे रखा है x इज इक्वल टू 3y। तो आप पहले क्या करोगे, ये इसको इधर लेके आओगे, प्लस का 3y इधर आ गया, किस में हो गया, माइनस का। अब आपका a क्या हुआ, a के आगे मतलब x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। b क्या है, y के आगे कितना है, माइनस का 3। और c की जगह पे आपके कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब आपको क्या लिख लेना है, जहाँ पे कुछ नहीं है वो 0 हो गया। पार्ट फाइव क्या दे रखा है, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। तो इसमें भी हमने ले लिया, पहले इस तरफ लेते हैं, माइनस का 5y इधर हो गया, किस में हो गया, प्लस का इक्वल टू 0। a क्या होगा, x के आगे कितना है, 2। b क्या हो गया, y के आगे कितना है, 5। और c क्या है, यहाँ पे है ही नहीं, मतलब हमने क्या लिख लिया, 0। इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, सिक्स पार्ट आप देखिए क्या दे रखा है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या है, 3। b क्या है, जो y के आगे x के आगे है वो तो ये होता है, y तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जब y है ही नहीं तो b भी नहीं होगा, मतलब b कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया, 0। और c कितना हो गया, 2। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सेवन्थ पार्ट। फिर अब के दे रखा है y माइनस 2 इक्वल टू 0। ए क्या होता है, जो x के आगे होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, अब के x नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या नहीं था, y नहीं था, मतलब उसके मल्टीप्लाई में b 0 हो गया। अब के x नहीं है, तो x नहीं है तो मतलब क्या हो गया, a 0। b क्या है, y के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। और c कितना हो गया, माइनस का 2। एक और कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट, 5 इज इक्वल टू 2x। अब आप क्या करो, या तो इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, ये बात एक ही है, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है a क्या होता है, x के आगे, अब के x के आगे क्या है, माइनस का 2। b कहाँ होता है, y के आगे, y है ही नहीं, मतलब 0। और लास्ट c कितना है, 5। तो ये आपको ध्यान में रखना, a b c आपको किससे पता चलेगा, जनरल फॉर्मेट ध्यान में रखो कि a क्या होता है, b कहाँ होता है और c क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है। अब जो है चैप्टर नंबर जो थर्ड में हमने बार बार वो वैल्यू नहीं रखी थी कि a x की जगह पे 0 रखो, कभी y की जगह पे 0 रखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 पे अब हम देखते हैं, इसने बोला है विच वन ऑफ द, पहला ही क्वेश्चन है, आप बुक से देखोगे, बुक से देखने से आपको पता चल जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट छोड़ दो, आप इसका सेकंड पार्ट करोगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप छोड़ दोगे, इसका आप सेकेंड पार्ट करोगे। इसने बोला राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन बताने हैं, 4। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, आपको कितने सॉल्यूशन बताने हैं, 4। तो आप अपनी मर्जी से, मैंने क्या बताया था, आप अपनी मर्जी से क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये रफली करना है, ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इसमें नहीं आता है तो आप माइनस में लोगे, -1, -2, -3, -4, -5। तो आप अपनी मर्जी से या तो x में पुट कर दो या फिर y में। तो चलो पहले मैं x में लिख लेता हूँ, वैन x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 0। तो मैंने क्वेश्चन में देखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 7। इसी तरीके से मैंने दूसरा रखा, अब की बार मैंने y की जगह पे 0 रख दिया, y पे 0 रख देता हूँ। लेकिन जब मैंने इसमें y पे 0 रखा, क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन नोट किया पहले, क्वेश्चन में जब मैंने y पे 0 रखा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 2x इज इक्वल टू 7,
टू मल्टीप्लाई में है इधर आके किस में, तो ये तो पॉइंट में नंबर आ जाएगा, तो आपको पॉइंट में नहीं लाना, हालांकि सही होता लेकिन आपको तो मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब ये हो गया हमारा रफ वर्क जो हमें नहीं करना था, लेकिन मैंने आपको शो करने के लिए, मतलब ये रॉन्ग नहीं है लेकिन हमको ऐसा शो, हमको ऐसा नाम नंबर लाना है जो फिक्स वैल्यू है, 2, 3, 4, ना तो पॉइंट में चाहिए ना अपॉन में फ्रैक्शन में चाहिए, हमें फिक्स नंबर होना चाहिए। तो हम दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं, जैसे कि हम इसमें रख देते हैं y की जगह पे 1 रख लेते हैं, वैन y इज इक्वल टू, अब कि हमने क्या रख दिया जिसमें हमारी एग्जैक्ट, पहले क्वेश्चन नोट किया, क्वेश्चन जो था वो हमने नोट कर लिया, 2x, अब के y की जगह पे क्या रख दिया 1, अब प्लस का 1 उधर चला गया किस में हो जाएगा माइनस का 1, 2x, 7 माइनस 1 कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई में था कहाँ आ जाएगा, अब 2 का डिवाइड इसमें कितनी रहा, इसमें मेरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, मतलब ये मेरा, ये मुझे शो करना है, ध्यान रखना है। अब मैं बार बार रफली करके नहीं बताऊंगा, ये एक रफ करके बता दिया, अब मैं पहले रख के देखता हूँ कि भाई मेरे और कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे मेरा आंसर आ जाए। तो अब मैंने वापस रख लिया, अब कि एक्स में रख दिया, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि सबके आंसर सेम हो, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और फिर आंसर आ रहा है कुछ भी तो मैं वैलिड नहीं मानूंगा, वो गलत हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब के मैंने रख दिया x की जगह पे हमने रख दिया 1, पहले क्वेश्चन नोट किया 2x प्लस y इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे हमने रख दिया 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू, प्लस का 2 उधर चला गया किस में हो गया माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसने बोला है आपको 4 आंसर निकालना है, चलो मैं एक नीचे कर दो, आपको कॉपी में ढंग से करना है, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब के मैंने रख दिया वैन x की जगह पे मैंने रख दिया 2, पहले क्वेश्चन नोट किया 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया 2 इज इक्वल टू, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस का 4 उधर चला गया किस में हो जाएगा माइनस में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3। जब 4 वैल्यू निकल जाएगी तो आपको बनानी है टेबल, क्या बनानी है टेबल, टेबल इस तरीके से बनानी है, एक्स वाई कितने, कितनी वैल्यू थी 4, तो हमने 4 बॉक्सेस बना दिए, ये बना दिए। पहले में हमने क्या देखा था, जब मैंने x पे 0 रखा था तो y की वैल्यू क्या आई 7, तो मैंने यहाँ पे रखा x पे 0 था तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। फिर क्या बोला है दूसरे में, मैंने क्या रखा था y की जगह पे 1 रखा था तो x की वैल्यू क्या आई थी, मतलब अब कि y पे 1 रखा था तो x की वैल्यू 3 आई थी, ध्यान रखना x की जगह y मत लिखना, y यहाँ पे x की जगह 1 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब कि हम देखते हैं x की जगह पे हमने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की जगह पे जब हमने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरीके से आपको है इस सारे क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। चलो इसका सेकंड पार्ट भी करके देख लेते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे पाई वाला ही आ रहा है, तो मैं जब जिसके मल्टीप्लाई में जो अकेला है उसमें मैं वैल्यू नहीं रखूँगा, मैं किस में रखूँगा जिसमें नहीं है उसमें वैल्यू। तो पहले मैंने रख लिया वैन एक्स की जगह पे क्या रख दिया 0, क्वेश्चन नोट किया पाई एक्स की जगह पे 0 रख दिया, वाई इज इक्वल टू, जिसको भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आंसर क्या आता है 0। अब तो y इज इक्वल टू पहली बार तो वैल्यू आ गई, दूसरा अब वैन x की जगह पे क्या रख दिया हमने 1, पाई पहले क्वेश्चन नोट किया पाई लिखा, x की जगह पे 1 रख दिया, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आता है, अब प्लस का पाई उधर चला गया किस में हो जाएगा, अब आपको यहाँ वैल्यू नहीं रखनी, ये क्वेश्चन ही अब पाई वाला है तो जो आ रहा है उसको उसी में रख देना। अब हम रखते हैं वैन x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं 1 रख दिया, 2 रख देते हैं, पहले क्वेश्चन नोट किया पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो अब हमने इसमें क्या रख दिया x की जगह पे क्या रख दिया 2, तो 2 इंटू पाई क्या हो गया 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, प्लस का 2 पाई उधर चला गया किस में हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, तो अब क्या आंसर इसका क्या हो गया 9 माइनस 2 पाई। अब क्या हम रखते हैं वैन x इज इक्वल टू कितना रख दिया 3, पहले क्वेश्चन नोट किया, अब हम x की जगह पे क्या पुट कर दिया 3, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 3 पाई उधर चला गया प्लस का किस में हो जाएगा माइनस में, तो 4 वैल्यू आ गई पाई के टर्म में, तो 4 वैल्यू आती मुझे क्या बना देनी है
टेबल बना देनी, ये थोड़ा बॉक्सेस बड़े रखना क्योंकि वैल्यू हमारी मोटी मोटी आ रही है इसमें। जैसे कि सबसे पहले एक्स की जगह पे जीरो रखा है तो वाई की वैल्यू इसमें तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक्स की जगह पे जब वन रखा है तो वाई की जगह पे क्या आ गया, नाइन माइनस पाई। इसमें एक्स की जगह पे टू रखा है तो वाई की जगह पे नाइन माइनस टू पाई, थ्री रखा है तो नाइन माइनस थ्री पाई। तो ये चार वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इसी का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट हमने देखा तो आपको क्या दिया हुआ, एक्स इज इक्वल टू फोर वाई। हमेशा ध्यान रखना है जो सिंगल होता है उसमें वैल्यू नहीं रखनी है, जो किसी के मल्टी में था हम सब वैल्यू किस में रखेंगे, वाई में। तो हमने अब देखा कि वैन वाई इक्वल टू क्या, तो पहले जीरो रखा तो हमने क्वेश्चन नोट किया एक्स इज इक्वल टू फोर इंटू जीरो, तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई, तो पहली वैल्यू आ गई मेरी जीरो। अब वैन y इज इक्वल टू क्या रख दिया, पहले क्वेश्चन नोट किया y इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने, वन, तो x की वैल्यू फोर इंटू वन कितनी आ गई। अब वैन y इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, टू, तो पहले क्वेश्चन नोट किया, अब y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, तो फोर इंटू टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एट। अब वैन y इज इक्वल टू क्या रख दिया, तो x इज इक्वल टू फोर वाई, तो x इज इक्वल टू वाई की जगह पे थ्री पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, चार वैल्यू आ गई। अब हम बनाएंगे टेबल। टेबल जब हम बनाते हैं तो इसमें पहले y की जगह पे क्या रखा था, जीरो, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो। फिर y की जगह पे वन रखा, x की जगह पे फोर, टू रखा एट, थ्री रखा ट्वेल्व। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बताना एमसीक्यू टाइप में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और विच आर नॉट। तो आपको देखना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। अब इसका पहला पार्ट दे रखा है कि आप जीरो कॉमा टू। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इसमें से बताइए कि ये इसका पॉइंट्स है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पहला कोऑर्डिनेट हमेशा कौन सा होता है, एक्स, दूसरा वाला वाई। तो एक्स की जगह पे जीरो रखें और वाई की जगह पे टू रखें, अगर इसका आंसर मेरा फोर आता है तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, एक्स की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, जीरो माइनस टू और वाई, सॉरी वापस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने पहले क्वेश्चन नोट किया, सॉरी यहाँ पे, तो पहले हमने देखा x माइनस टू वाई, ये हमारा क्वेश्चन होगा, अगर इसका आंसर फोर आ जाता है तो हमारा सही है। x की जगह पे जीरो रखा, y की जगह पे क्या रख दिया, जीरो, माइनस टू इंटू टू फोर, तो आंसर आ रहा माइनस का फोर, फोर नहीं आ रहा, हमारा क्या आना चाहिए था। तो हमने लिखा यहाँ पे ये हो जाएगा नो, इसमें क्या लिख लोगे, ये आंसर जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप नो लिख के छोड़ दो, ठीक है, यस और नो। अब दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट दे रखा है कि 2 कॉमा जीरो, वापिस हमने रखा x माइनस टू वाई। अब इसका आंसर देखते हैं क्या 4 आ रहा है, x की जगह पे अब के क्या रखना है 2, और y की जगह पे अब के क्या रखना है 0, 2 माइनस टू इंटू जीरो, तो आंसर क्या आया, तो ये भी मेरा क्या हो गया नो, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, अगर आंसर 4 आता है तो ही सॉल्यूशन है। अब वापिस अब के क्वेश्चन में क्या है, 4 कॉमा जीरो, वापिस क्वेश्चन नोट किया, x की जगह पे क्या रख दिया हमने 4 माइनस टू, y की जगह पे क्या रख दिया, तो 4 माइनस जीरो, टू इंटू जीरो, तो आंसर आ रहा है, तो ये हमारा ये सॉल्यूशन होगा, यस ये हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है 4 आ रहा है। अब फोर्थ में भी देखते हैं और किस में आ जाता है, फोर्थ हम देखते हैं रूट टू, और ये आ रहा है 4 रूट टू। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नोट किया x माइनस टू वाई, एक्स की जगह पे कितना रख दिया रूट टू टू, और वाई की जगह पे फोर रूट टू। अब हम देखते हैं रूट टू माइनस फोर इंटू टू एट रूट टू, अब दोनों में से रूट टू क्या ले लिया कॉमन, इसमें से रूट टू बाहर आया वन, इसमें से रूट टू बाहर आया एट, तो यहाँ पे हो गया वन माइनस एट, तो माइनस सेवन रूट टू, इसमें भी आंसर फोर नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा क्या हो गया नो। अब हमारा देखते हैं फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट हमने देखा तो वो क्या है, वन कॉमा वन, पहले क्वेश्चन नोट किया एक्स माइनस टू वाई, एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया वन, वाई की जगह पे भी वन,
वन माइनस टू इन टू वन टू आंसर आ गया मैंने, तो ये भी मेरा क्या हो गया, सिर्फ एक ही आंसर है जो मेरा यस है, जो ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर फोर लास्ट, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू टू दे रखा है और वाई इज इक्वल टू वन, और इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। तो आप क्या करोगे, x की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 2, y की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1 इज इक्वल टू के, 2 इंटू टू 4, 3 इंटू वन 3 इज इक्वल टू के, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू के, ये हो गया हमारा आंसर। तो 4.2 तक आज आपको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करके हम फिनिश कर देंगे। आप उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा अब रेगुलरली तो आपको मिल जाया करेगा और आपका सारा वर्क भी हो जाया करेगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।